नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर और फिल्म स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, अर्जुन राणातुंगा, कुमार संगकारा और जैकलिन फर्नांडिस ने महंगाई और भावों से जूझ रहे अपने लोगों को लेकर दुख जताया है और भारत से मदद मांगी है। किसी ने मौजूदा राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने लोगों की परेशानी में एकजुटता दिखाने की अपील की है। उन्होंने लोगों के लिए हर रोज़ मुश्किल हो रही स्थितियों को लेकर अफसोस जताया है। श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, गैस और खाने के सामान की कमी के चलते लाखों लोग कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो चुके हैं। इन्हीं हालात को लेकर पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा कि लोगों को इन स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो इस तरह नहीं जी सकते और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यहाँ गैस की कमी है, घंटों तक बिजली भी नहीं आती है। लोगों ने श्रीलंकाई सरकार को अपनी मुश्किलें दिखाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं। अगर सरकार इसका हल नहीं निकालती है तो ये बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इस समय इसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर होगी। सनत जयसूर्या ने कहा कि हमारे देश के पड़ोसी और बड़े भाई होने के नाते भारत ने हमारी हमेशा मदद की है। हम भारत सरकार और पीएम मोदी के आभारी हैं। हमारे लिए मौजूदा स्थिति में जीना आसान नहीं है। हम भारत और दूसरे देशों की मदद से इससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं पूर्व क्रिकेटर अर्जुन राणातुंगा ने भी श्रीलंका की अब तक की सबसे खराब आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद करने के लिए भारत की सराहना की है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने और अपने फायदे के लिए संविधान को बदलने के लिए देश के नेताओं की आलोचना भी की। अर्जुन राणातुंगा ने कहा कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि वो इसे संभाल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें हट जाना चाहिए। हम दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं। आम लोग सिर्फ सामान्य चीज़ों, दूध, पाउडर, गैस, चावल, पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। मैं हिंसा का समर्थन तो नहीं करता हूँ। वैसे देश पिछले 2 सालों से बड़े संकट में घिर गया है। ये कोविड का बहाना दे सकते हैं लेकिन उसे तो पूरी दुनिया ने झेला था। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए देश के लोगों के मुश्किलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये देखकर दुख होता है कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एक समाधान की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उस आवाज़ के खिलाफ नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं तो कुछ उसका दुरुपयोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। अपने विनाशकारी निजी और राजनीतिक एजेंडे को दूर रखते हुए श्रीलंका के हित में काम करना चाहिए। श्रीलंका के लोग दुश्मन नहीं है, वो अपने ही लोग हैं। श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धन ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि श्रीलंका में आपातकालीन और कर्फ्यू को देखकर दुख हो रहा है। सरकार लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती है। उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है। लोगों के रहसात में लेना स्वीकार नहीं है और श्रीलंकाई वकीलों पर गर्व करता हूँ जो ऐसे लोगों के बचाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे नेता अपनी गलतियाँ मानते हैं। हमारे देश के लोगों को सुरक्षा देना और उनकी तकलीफ में एकजुट होना बेहद ज़रूरी है। ये समस्याएँ हमारी खड़ी की गई हुई हैं और इसे सही योग्य व्यक्ति ठीक कर सकता है। जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं उन्होंने लोगों का भरोसा खो दिया है। उन्हें हट जाना चाहिए। देश को आत्मविश्वास और भरोसा देने के लिए हमें एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। वहीं पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने लिखा है कि भले ही मैं अपने लोगों से मीलों दूर हूँ, मैं अपने श्रीलंकाई साथियों का दर्द समझ सकता हूँ। उनके लिए हर दिन बिताना मुश्किल होता जा रहा है। उनकी आवाज़ दबाने के लिए मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं लेकिन जब 2 करोड़ 20 लाख लोग की आवाज़ एक हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोगों को सुना जाना चाहिए, उन्हें बेहतर स्थितियाँ मिलनी चाहिए। मैं ये विनती करता हूँ कि श्रीलंका के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। श्रीलंका की रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने भी श्रीलंका की मौजूदा स्थितियों पर दुख जताते हुए हालात जल्दी बेहतर होने की उम्मीद की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि एक श्रीलंकाई के तौर पर यह देखा जाना दुखदायी है।